बहुत से एस्पायरिंग फोटोग्राफर जो हैं वो कभी कभार वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछते हैं। फोकसिंग मोड जो है वो मैं AFC यानी ऑटो फोकस कंटिन्यूस शूट करता हूँ। एंड फाइनली द बारबेक्यू इज रेडी। अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इरफान तूरी एंड वेलकम टू माय चैनल इरफान तूरी फोटोग्राफी। सो अभी हम जैसे आप देख सकते हैं रावल लेक रावल डैम के बैक साइड पे हैं और हम अभी बारबेक्यू बनाएंगे, फिर कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी होगी और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम आज की जितनी मोमेंट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा सामान आप देख लें, अभी इधर हम आग जलाएंगे। शुक्र है सामान की जगह सौदे का नहीं कह दिए गए। ओके गाइस स्टे ट्यून। तो गाइस आग जलाने की शुरुआत बाकायदा हो चुकी है और ये मुजम्मिल पूरी कोशिश कर रहे हैं आग जलाने की। और हमारे पास एक दूसरा आइडिया भी है, थोड़ी सी जैसी ये कोयला जलेगा तो इसके ऊपर हम फिर ड्रोन उड़ाएंगे, उससे ये आग ज़बरदस्त किस्म की जलेगी। क्या ख्याल है मुजम्मिल? ख्याल बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ड्रोन ऊँचा ही उड़ाना, ये ना पता चले ड्रोन के भी बारबेक्यू बन गया। आ जा। ये आग जलाने का हमने नया तरीका दरियाफ्त कर लिया है। एंड फाइनली द बारबेक्यू इज रेडी। तो टेस्ट करते हैं। अमेजिंग। ओके दिस इज आल्सो अमेजिंग। और पढ़ पुत्र जी, मैंने भी खाना है। मैं बच्चों सर जी को Thank you.
तो गाइस बारबेक्यू हमने फिनिश कर दी, बहुत ही फैंटास्टिक किस्म का टेस्ट था। तो बहुत से एस्पायरिंग फोटोग्राफर जो हैं वो कभी कभार वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछते हैं कि इसमें हमें हमारी इमेजेस कभी कभार ब्लर आती हैं, कौन सी सेटिंग या कौन सी इक्विपमेंट है जो हम इसके लिए यूज़ करें। तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए तो सबसे पहले जो टाइमिंग है वो एक सेलेक्टिव टाइम होना चाहिए, या अर्ली मॉर्निंग और बिफ़ोर सनसेट आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के वाइल्ड लाइफ शॉट्स मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कैमरा जौन सा भी यूज़ करना है, नायकॉन का हो, कैनन का हो, सोनी का हो, जो भी हो, इट डजंट मैटर, लेकिन उसका ये है कि उसकी थोड़ी फ्रेम रेट अगर अच्छी हो तो वो ज़्यादा सोने पे सुहागा है। इस वक्त मैं जो बॉडी यूज़ कर रहा हूँ वो नायकॉन का D500 बॉडी में यूज़ कर रहा हूँ, और इसके तकरीबन 10 फ्रेम पर सेकंड ये शूट करता है। और सेटिंग असल बात सेटिंग की है कि सेटिंग आपने कौन सी रखनी है। इस वक्त मैं अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट कर रहा हूँ ताकि फिर मुझे एट द टाइम ऑफ शूटिंग मुझे कोई सेटिंग चेंज ना करना पड़े, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत ही अचानक सडनली आपके पास में से बर्ड्स गुजर जाती हैं और आपको शॉट मिस कर देते हैं, तो आपकी सेटिंग पहले से ही रेडी होनी चाहिए। फोकसिंग फोकसिंग मोड जो है वो मैं AFC यानी ऑटो फोकस कंटिन्यूस शूट करता हूँ ताकि वो कंटिन्यूसली अपने मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, सब्जेक्ट को फोकस करता रहे और वो अपने फोकस रेंज से बाहर ना जाए। और अगर आप फोकस पॉइंट्स की बात करें तो मैं हमेशा से सिंगल ऑटो फोकस, सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस या मैक्सिमम 9 पॉइंट ऑफ फोकस में यूज़ करता हूँ, ताकि अगर छोटा सा छोटा बर्ड भी हो तो वो मेरे फोकस पॉइंट से, मेरे फोकस पॉइंट के रेंज में ही रहे। और एफ नंबर जो है मैं F7 या F5 और F8 इनके दरमियान में ही रहता हूँ, ताकि वो बर्ड का हर एक पार्ट पिन शार्प हो और वो उनका कोई भी जो पार्ट है बर्ड का वो बिल्कुल भी ब्लर ना हो। आपको अपने कैमरे को कंटिन्यूस हाई शूटिंग पे रखना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम आपके शूट कर सके, और कोई भी अगर फ्रेम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ब्लर है तो नेक्स्ट उसका शॉट फोकस हो, ताकि आपको अगर आपने 10 फ्रेम आपने शूट कर लिए तो उसमें 2-3 तस्वीरें आपको बिल्कुल पिन शार्प और फोकस तस्वीरें मिले। तो अभी इस वक्त तो कोई भी बर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर कॉर्मोरेंट कुछ बर्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, अगर मुझे कोई भी शॉट मिलता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। ये सामने एक बिल्कुल छोटा सा बर्ड बैठा हुआ है और इसका मुझे नाम तो पता नहीं है, ID मुझे इसकी पता नहीं है, वो मैं नेट से सर्च करके आपको बताऊँगा, लेकिन मैं इसके शॉट कैप्चर करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे बहुत ही शार्प किस्म की तस्वीर मिली है, वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में, आप ये पिक्चर फिर मेरा आप चेक कर सकते हैं।